कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्य शुक्रवार को भी जारी रहा, जिसके तहत जिला अस्पताल में बनाए गए 2 बूथों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर शामिल रहे। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता सहित पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी सहित पंचायती राज विभाग के कर्मियों को टीका लगाया गया। शुक्रवार को कुल कोविड टीकाकरण का लक्ष्य 45 बूथों पर 6022 रखा गया था, जिसमें पुरुष वर्ग में 2222 और महिला वर्ग में 332 लोगों ने टीका लगवाया, जो लक्ष्य का 42.4% रहा। टीकाकरण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि नंबर आने पर कोविड-19 का टीका अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉ. सुधाकर पांडे, ADM प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता और CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, आज फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस विभाग, नगर निगम, पंचायती राज विभाग और सामान्य प्रशासन के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। यहाँ पर 2 बूथ चल रहे हैं, दोनों बूथ पर टीकाकरण चल रहा है। आगे भी सर होना है? आगे जो है अभी समय दिया जाएगा। अब हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को टीकाकरण का सत्र चल रहा है, तो आने वाले समय में अगर होता है तो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। आज कोविड वैक्सीन का टीका CMO साहब के सौजन्य से यहाँ लगाया गया है, और हमारी अपील है कि सभी लोग अपने बारी से अपना अपना टीका लगवा लें, और ये बेहद सुरक्षित और अच्छी चीज़ है जो महामारी से बचाव करेगी। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, अभी 15-20 मिनट हमको हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई है, और हमारी अपील है कि सभी लोग अपने बारी से अपना टीका लगवा लें। सर, आपको वैक्सीनेशन किया क्या करना है? हाँ, आज SMS के थ्रू मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि आज मेरा वैक्सीनेशन का टाइम है, और टाइम पे जब पहुँचा और मेरा वैक्सीनेशन हुआ, और बिल्कुल पेनलेस है, और कोई उसमें मैंने वेट भी किया, जो सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए। और दूसरा मेरा यही अपील है सब लोगों से, जिसका भी अभी नंबर आ रहा है वो इसको ज़रूर लगाएं, और कोविड के जो प्रिकॉशन है उसको जारी रखें।